بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم حضرات سامعین کرام آج ماہ ذلحجہ کی 6 تاریخ ہے اور چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں لہذا اس موقع کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں قربانی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں قربانی کی کیا فضیلت ہے قربانی کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے قربانی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا قدر و قیمت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی بنیاد اور قربانی کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ قربانی کا جو ہمیں حکم ملا ہے یہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے ایک تاریخی اور عظیم الشان واقعے کی بنیاد پر ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سارا سے نکاح فرمایا تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ربی حب لی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی ایسے بیٹے کی جو حلیم المزاج ہوگا یعنی صبر برداشت اور استقامت کا پہاڑ ہوگا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے
और इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन का जब दौर गुजर गया और लड़कपन का दौर आया, जाहिर है कि बचपन में बच्चे की देखभाल में, उसकी तरबियत में, उसकी नशोनुमा में माँ बाप को मशक्क़तें उठानी होती हैं, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और फिर जब बच्चा लड़कपन के दौर में आता है तो फिर वो माँ बाप का सहारा बनता है और ज़रूरियात ज़िंदगी में अपने माँ बाप का मुआविन और मददगार बनता है। चुनाचे जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र के हो गए, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंच गए, कुरान ने इस वाक़े को बयान किया फलम्मा बलग माहुस्साया, कि जब इस्माइल अपने बाप के साथ चलने फिरने आने जाने की उम्र को पहुंच गए। उस वक्त उनकी क्या उम्र थी, मुख्तलिफ रिवायात हैं। राजे कौल ये है कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हो गई थी और वो ज़रूरियात ज़िंदगी में अपने बाप के मुआविन और मददगार बन गए थे, आने जाने में, चलने फिरने में उनके साथ रहते थे। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन के मरहले से निकल कर 13 साल की उम्र को पहुंच गए तो एक अजीबोगरीब इस कायनात की तारीख का, इंसानियत की तारीख का एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर रहा हूं। जब ख्वाब से बेदार हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह महज एक ख्वाब नहीं है बल्कि ये अल्लाह की मंशा और अल्लाह का हुक्म है कि मैं अपने हाथों से अपने लख्ते जिगर नूरे नजर इस्माइल को ज़िबह करूं, इसलिए कि नबी का जो ख्वाब होता है वही होता है, नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनको बताया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, ए मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़िबह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, लिहाजा तुम बताओ इस सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गरचे कम उम्र थे, 13 साल उनकी उम्र थी, लेकिन बहरहाल कोई मामूली शख्सियत तो थे नहीं, नबी के बेटे थे और मुस्तकबल में इनको नबी बनना था। और इन बातों के अलावा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। चुनाचे उन्होंने कम उम्री के बावजूद वो जवाब दिया जो उनके शायान शान था। वो खूब अच्छी तरह समझते थे कि ये एक आम इंसान का ख्वाब नहीं है, ये एक नबी का ख्वाब है और नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता है, लिहाजा ये अल्लाह का हुक्म है मेरे बाप को कि वो मुझको ज़िबह करें। उन्होंने फरमाया अपने बाप से या अबत फाल मा तुमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कीजिए, जहां तक मेरा हाल है
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, جہاں تک میرا حال ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ دونوں باپ اور بیٹے اس انوکھی عبادت کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے. نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ, باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا تو ظلم ہے, کسی حکومت کا قانون, کسی قوم کی روایت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے, لہذا میں اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کروں؟ اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آخر میرا قصور کیا ہے, آخر میرا ایسا جرم کیا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ہے کمال عبدیت, یہ ہے بندگی, کہ آقا کا جب حکم سامنے آ گیا تو اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس حکم کو ماننا ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آج دنیا میں بہت سے لوگ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی لوجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر لوجک ہمارے سمجھ میں آئے گی, ہماری عقل اس کی حکمت کو, اس کے فائدے کو قبول کرے گی, تو ہم اس حکم کو مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اللہ کا جب حکم سامنے آ گیا تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. چنانچہ جب یہ دونوں اللہ تعالی کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے تو شیطان بڑا پریشان ہوا. شیطان نے یہ سوچا, اگر اس انوکھی عبادت پر عمل ہو گیا اور اللہ کے اس حکم کی اطاعت عمل میں آ گئی تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ اطاعت نمونہ بن جائے گی, لہذا میں اس کو کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا. تو وہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور ایک ہمدرد اور خیرخواہ کی شکل میں ان سے ملاقات کی. شیطان نے حضرت ہاجرہ سے کہا, آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں. شیطان نے کہا, نہیں, آپ غفلت میں ہیں, آپ کو حقیقت نہیں معلوم, ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بلایا ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ ابراہیم جیسا رحم دل اور مشفق باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ تو ان کو یقین دلانے کے لیے شیطان نے کہا, ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. تو شیطان کی اس بات پر حضرت ہاجرہ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ یقیناً ایک نبوی گھرانے کے شایع نشان تھا. یہ جاننے کے باوجود کہ اسماعیل اکلوتی اولاد ہیں اور بڑے ارمانوں سے اور بڑی دعاؤں سے ان کو مانگا گیا ہے, حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ہے تو یقیناً ان کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. شیطان نے جب دیکھا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہے, وہاں سے مایوس ہو کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گیا اور ان کو راستے میں روکا, ان کو بہکانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے, انہوں نے 7 کنکریاں لے کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس شیطان کو ماری.
चुनाचे वो रास्ते से हट गया, मगर फिर उसको सबर ना आया। थोड़ी आगे जाने के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर एक एक करके 7 कंकरियां उसको मारी, वो फिर भाग गया। फिर तीसरी मर्तबा उसने फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका और उनको इस अमल से दूर रखने की कोशिश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां फिर उस शैतान को मारी, बिल आखिर वो भागने पर मजबूर हो गया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इस बात को कियामत तक आने वाले इंसानों के लिए यादगार बना दिया। चुनाचे ये तीनों मकामात जहां शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक कर बहकाने की कोशिश की थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियां उसको मारी थी, आज भी ये तीनों मकामात मीना में मौजूद हैं और यहाँ जमरात बने हुए हैं, जमराए अकबा, जमराए वुस्ता और जमराए उला। और हुज्जाजे किराम जब हज करने जाते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल की यादगार के तौर पर इन तीनों जमरात में अलामती शैतान को 7-7 कंकरियां मारते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी इस अमल को कियामत तक के लिए जिंदा कर दिया। बहर कैफ जब दोनों बाप बेटे कुर्बान गाह पहुंच गए अल्लाह के इस हुक्म को अमल में लाने के लिए, फलम्मा असलमा, जब दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे सर निगू हो गए। इस्लाम के माना ही है गर्दन निहादन, कि अपने मालिक और अपने आका के हुक्म के आगे गर्दन को झुका देना। आज की जबान में अगर हम कहें कि सरेंडर हो गए, फलम्मा असलमा वतल्लहू लिलजबीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को जमीन पर लिटा दिया पेशानी के बल या करवट के बल। वतल्लहू लिलजबीन का क्या मतलब है? अक्सर मुफस्सिरीन की राय और रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल यह है कि वतल्लहू लिलजबीन का मतलब है कि उनको करवट के बल जमीन पर मिट्टी पर लिटा दिया जिबा करने के लिए, क्योंकि जबीन कहते हैं पेशानी के जो दाएं बाएं ये हिस्से हैं इसे जबीन कहते हैं, और पेशानी का सामने का जो हिस्सा है इसको जबहा कहते हैं। वतन लहू लिल जबीन का मतलब यह हुआ कि करवट के बल लिटा दिया जमीन पर। और बात मुफस्सिरीन की राय यह है नहीं कि पेशानी के बल यानी उल्टा लिटा दिया। बहरहाल अला इख्तिलाफ अकवाल, जो भी कौल हो, बाज रिवायतों से मालूम होता है, बाज रिवायतों से मालूम होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को पहले सीधा लिटाया था और सीधा लिटाने के बाद जब उन्होंने इस्माइल के हलक पे छुरी को चलाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की हलक और छुरी के दरमियान पीतल का एक टुकड़ा हायल कर दिया। चुनाचे अब वो छुरी चला रहे हैं मगर उनकी गर्दन पे उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और जिबा के इस अमल के शुरू करने से पहले चंद बातें इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से की। सबसे पहली बात यह कही कि अब्बा जान, आप मुझको अच्छी तरह बांध दीजिए, मबादा ऐसा ना हो कि मैं तड़पने लगूं और आपके काबू से बाहर हो जाऊं। इसी तरह दूसरी बात यह कही कि आप अपने कपड़े अच्छी तरह समेट लीजिए,
कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खून की छींटे आपके कपड़ों पे पड़ जाए और उसकी वजह से मेरे सवाब में और मेरे अज्र में कमी आ जाए। और इसी तरह जब मेरी वालिदा की निगाह पड़ेगी मेरे खून पर, आपके कपड़ों पर मेरी खून की छींटे वो देखेंगी, तो उनके गम में इजाफा होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि आप छुरी को तेज कर लीजिए और जल्दी जल्दी मेरी गर्दन पे छुरी फेरिएगा ताकि मेरा दम आसानी से निकल जाए, मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। और एक बात हजरत इस्माइल ने यह कही कि आप मुझको ज़िबा करने के बाद जब घर जाएंगे तो मेरी वालदा से मेरा सलाम कह दिएगा और मेरा ये कुर्ता उनको दे दिएगा ताकि इस कुर्ते के जरिए उनको तसल्ली हो। बेटे की ये बातें सुन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे और फरमाया, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में तुम कितने अच्छे मेरे मुआविन और मददगार हो। और वो रोते जा रहे थे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी फरमाइश के मुताबिक बांधते जा रहे थे। चुनाचे जब बांध कर उनको जमीन पे लिटा दिया, वतल्लहू लिलजबीन, और छुरी उनकी गर्दन पे फेरने लगे, तो बाज रिवायतों से मालूम होता है कि पहले सीधा लिटाया था और जब वो छुरी फेरने लगे तो अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम की हलक और छुरी के दरमियान एक पीतल का टुकड़ा हायल कर दिया गया। अब वो छुरी चला रहे हैं मगर उसका कोई असर हलक पे नहीं हो रहा है। तो जब काफी देर हो गई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप मुझे करवट के बल या पेशानी के बल लिटा दिए, क्योंकि सीधे लेटने की सूरत में आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है। और जाहिर है कि बाप जब अपने बेटे के चेहरे को देखेगा तो पिदरी शफकत वो जोश में आएगी, जिसकी वजह से छुरी कुव्वत के साथ वो चला नहीं पाएगा। और सीधे लेटने की वजह से छुरी मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से मेरे खौफ में इजाफा हो रहा है। तो आप अगर मुझे उल्टा लिटा देंगे तो आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा और मुझको छुरी नजर नहीं आएगी। चुनाचे फिर वतल्लहू लिलजबीन, करवट के बल या पेशानी के बल, अला इख्तिलाफ अल-अक़वाल, जब उनको लिटा दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरनी शुरू की और पीतल के टुकड़े के हायल होने की वजह से छुरी उनके गर्दन पे असर अंदाज नहीं हो रही थी कि इसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से एक निदा आई, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम। एक पुकार आई, एक निदा आई, ए इब्राहिम, कद सद्दक्तर रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। क्योंकि ख्वाब में इतना ही तो देखा था कि इस्माइल को मैं ज़िबा कर रहा हूं, यानी उनकी गर्दन पे मैं छुरी फेर रहा हूं, और ये काम उन्होंने अमली तौर पर करके दिखा दिया। जब ये पुकार सुनी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह डाली तो देखा कि जिब्रील अमीन जन्नत से एक मेंढा लिए चले आ रहे हैं और हुक्म हो रहा है कि अब इस्माइल ज़िबा नहीं होंगे बल्कि इस्माइल की जगह ये जन्नत का मेंढा ज़िबा होगा। अल्लाह ताला को ये वाकया इतना पसंद आया, बाप और बेटे की इताअत का और इस अनोखी इबादत को अमल में लाने का यह वाकया इतना पसंद आया कि कियामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए इस वाकये को यादगार बना दिया। चुनाचे आज भी हम हर साल पूरी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों मुसलमान इस सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं और हस्ब तौफीक जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ये वो तारीखी वाकया है जो इस कुर्बानी की बुनियाद है।
जहाँ तक ताल्लुक कुर्बानी की फजीलत का, उसकी अहमियत का, कदर व कीमत का है, तो उसके जानने से पहले हमें कुर्बानी की रूह को समझना है कि कुर्बानी का मकसद क्या है। तो इस सिलसिले में ये जानना चाहिए कि कुर्बानी का एक तो जाहिर है और एक कुर्बानी का बातिन है। बाअल्फाज दीगर, एक कुर्बानी की जाहिरी शक्ल है और एक कुर्बानी की बातिनी शक्ल है, यानी कुर्बानी की रूह और कुर्बानी का मकसद हकीकी है। कुर्बानी की जाहिरी शक्ल तो यह है कि हम कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदें और कुर्बानी के दिन में उसको जिबा कर दें और उसके गोश्त को इस्तेमाल कर लें। ये तो एक जाहिरी शक्ल है कुर्बानी की, जिसको हम सब कुर्बानी समझते हैं और कहते हैं। लेकिन कुर्बानी का बातिन और कुर्बानी की रूह और कुर्बानी का मकसद क्या है कि जिस तरह कुर्बानी करने वाला अल्लाह के हुक्म की वजह से जानवर को कुर्बान कर रहा है, इसी तरह वो नियत करे और अज़्म करे कि अल्लाह के हुक्म की खातिर मैं अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करूंगा। यह है कुर्बानी की रूह और यह है कुर्बानी की असल कि जिस तरह हम इस जानवर को कुर्बान कर रहे हैं महज अल्लाह का हुक्म होने की वजह से, इसी तरह तमाम नफसानी ख्वाहिशात को भी अल्लाह के हुक्म की वजह से हम कुर्बान करेंगे। और अल्लाह के डर से नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ना, इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम तकवा है। लिहाजा अल्लाह ताला अपने बंदों से ये चाहते हैं कि मेरे बंदे जब कुर्बानी करें तो सिर्फ जानवर की कुर्बानी पर इक्तिफा न करें बल्कि अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करने का इरादा करें और अज़्म मुसम्मम करें और अपने दिल के अंदर तकवे की कैफियत को पैदा करें। और अल्लाह ताला की जो दिलचस्पी है वो इसी के साथ है। चुनाचे इस मज़मून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। जब कुर्बानी की जाती है तो कुर्बानी के जानवर का खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, वो तो नाली में बह जाता है। वला लुहूमुहा, और कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है वो अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, वो तो इंसान के पेट में चला जाता है। फिर अल्लाह के पास जो चीज पहुंचती है वो क्या है, वलाकियनालहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह के पास जो चीज पहुंचती है वो तकवा है। तुमने अल्लाह के डर से नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने का जो जज्बा अपने अंदर पैदा किया है जिसका नाम तकवा है, अल्लाह ताला के यहाँ ये तकवा पहुंचता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि जिस तरह कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह की तौफीक से हम कुर्बानी का एहतिमाम करें, इसी तरह साथ साथ अपने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करने का भी अज़्म मुसम्मम और इरादा करें। अगर किसी ने कुर्बानी का जानवर तो ज़िबा किया मगर अपने गुनाहों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का कोई इरादा नहीं किया, तो उसने कुर्बानी के जाहिर पर तो अमल किया मगर कुर्बानी के बातिन पर, जो कि कुर्बानी की रूह है, जो कि कुर्बानी का मकसद है, उस पर उसने अमल नहीं किया। अल्लाह ताला हमको मकबूल कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी जिंदगी मासी से, गुनाहों से, नफसानी ख्वाहिशात से बचने का अल्लाह ताला हम सबको जज्बा अता फरमाए। जहां तक ताल्लुक कुर्बानी की फजीलत का है तो एक हदीस में आता है जिसको इमाम तिर्मिजी ने और इमाम इब्ने माजा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब
और सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अमल है वो कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करना है, इराकतुद्दम, जानवर को ज़िबह करना और उसके खून को बहाना, इससे ज्यादा महबूब और पसंदीदा अमल कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला को कोई और नहीं है। और ये ऐसी सरीउल कबूल इबादत है, इतनी जल्दी अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करता है तो खून के जमीन पर गिरने से पहले पहले यह कुर्बानी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाती है। उसके बाद फरमाया फतीबू बिहा नफसन, लिहाजा कुर्बानी खुश दिली से करो, तंग दिली से और बद दिली से न करो। यह न सोचो कि ओहो बकरीद आ गई, एक खर्चा और बढ़ गया, नहीं, बल्कि खुशी खुशी करो, इसको सआदत समझ के करो, इसके फजाइल को, अजर व सवाब को अपनी निगाहों को सामने रख के करो और जितना ज्यादा से ज्यादा एहतमाम हो सके कुर्बानी के जानवर का इतना ज्यादा एहतमाम करो। और एक मौके पर सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अदाही, ये कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया, फमालना फीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह इसमें फिर हमारे लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए एक नेकी है। अब अगर किसी जानवर के बालों को गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, तो कुर्बानी के अजर व सवाब को भी शुमार नहीं किया जा सकता। कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अजर अता फरमाते हैं वो बेशुमार होता है। और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुर्बानी की इस्तेआत रखता हो, माली एतबार से, हर एतबार से कुर्बानी करने पर वो कादिर है, उसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला यक्रुबन्न मुसल्लाना, ऐसा शख्स हरगिज हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। उसे कोई हक नहीं है कि मुसलमानों के साथ ईद की नमाज में शरीक हो, उसे कोई हक नहीं है कि मुसलमानों के साथ ईद की खुशियों में शरीक हो। लिहाजा ये चंद बातें थीं जो कुर्बानी की अहमियत, उसकी फजीलत से मुतालिक अर्ज करनी थी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह की रज़ा का सबब हो, अल्लाह को पसंद हो, और कुर्बानी पर अल्लाह ताला जिन नेमतों से और अजर व सवाब से नवाजते हैं, अल्लाह ताला हम सबको उस अजर व सवाब का मुस्तहिक बनाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।